हेलो एंड गाइस, कैसे आप सभी गाइस। आज मैं आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से निकल कर आ रहे हैं आपके सामने। यहां पर मैंने ऑलरेडी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है एंड यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि 2023 के अनुसार फ्लिपकार्ट के अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट को वापस करते हैं, अगर वापस करने के टाइम आपको यहाँ पर रिटर्न अप्रूवल नहीं मिल पाता है तो उसके बारे में बताया जाएगा कि आपको रिटर्न अप्रूवल कैसे लेना है एंड कैसे अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। वैसे इसके पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाकर रखी हैं, मैंने उस अंदर अच्छे से समझाया है कि आप कैसे रिटर्न अप्रूवल ले सकते हैं एंड कैसे अपने प्रोडक्ट को वापस करेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है, कई जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो नहीं भी हैं उनको ये समझ नहीं लग पाता कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न करना है एंड कैसे उनको वापस करके अपना रिफंड लेना है। एंड यहाँ पर मैं फिर से आपको अच्छे से समझाऊंगा एंड यहाँ पर मैं बताऊंगा कि यहाँ पर विद प्रूफ के साथ बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने 2023 के अनुसार हम रिफ़ंड कैसे लेंगे, यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट तक प्रॉपरली रिफ़ंड पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। एंड यहाँ पर हम आप वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था उसका मैं आपको दिखा देता हूँ क्या स्टेटस रहने वाला है। यहाँ पर जैसे कि हम अकाउंट के सेक्शन में जाएंगे, ऑर्डर करता ही रहता हूं। जैसे कि फ्रेंड यहां पर मैं आप देख सकते हैं, मेरी ऑर्डर हिस्ट्री भी देख सकते हैं, यहां पर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रखा है एंड यहां पर मुझे कोई इश्यूज होता है तो मैं उसको क्या करता हूं, रिटर्न भी करता हूं। एंड जब रिटर्न करता हूं तो मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है क्रिएट करनी पड़ती है, जो कि आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ सकती है। एंड यहाँ पर मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा, मुझे यहाँ पर रिटर्न अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं मिला था। जब मैंने इसको रिटर्न डाली, मैंने रिटर्न कब डाला मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ तो रिसीव करने के टाइम मैंने उसी दिन मैंने रिटर्न नहीं डाला एंड यहाँ पर मैंने नेक्स्ट डाला था। तो यहाँ पर जब मैंने इसको रिटर्न को डाला तो यहाँ पर मुझे डालने के बाद आप देख सकते, इसका मैं स्टेटस भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप स्टेटस देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुझे क्या हुआ, इसका रिफ़ंड ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पर रिटर्न रिफ़ंड मेरा हो चुका है। जब मैंने यहाँ पर इसकी रिटर्न डाली तो यहाँ पर रिटर्न डालने के टाइम मुझे यहाँ पर रिफ़ंड, यहाँ पर मेरा रिटर्न अप्रूवल नहीं किया गया। जो रिटर्न अप्रूवल क्या स्टेटस पहले के क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको शायद लगेगा कि मैं ऐसा बनाकर कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको भी इसका मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर वही वाला प्रोडक्ट रहने वाला है जो मैंने अभी दिखाया था आपको, ये वही वाला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रिटर्न एंड यहाँ पर रिटर्न अप्रूवल मेरा कब हुआ, यहाँ पर रिटर्न मैंने 2 तारीख को दिया था एंड रिटर्न अप्रूवल यहाँ पर मेरा 3 तारीख को हुआ था। यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग डेज के अंदर यहाँ पर मेरा रिटर्न अप्रूवल किया गया था। यहाँ पर मैंने जब इसको रिटर्न डाला तो यहाँ पर इंस्टेंट मेरा रिटर्न अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट अगले दिन यहाँ पर 10 बज के कुछ यहाँ पर करीब के अंदर यहाँ पर मेरा रिटर्न अप्रूवल किया गया। अब मैं ये भी बताऊँगा कि आप रिटर्न अप्रूवल लेना कैसे, पहले यहाँ पर मैं आपको पूरी एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। जब यहाँ पर हमने रिटर्न अप्रूवल डाला तो ये वाली हमको पॉलिसी निकल कर आ चुकी थी एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर न्यू प्रोसेस देखना चाहते हैं इसको यहाँ पर विजिट जरूर करें एंड पूरा वॉच करें एंड यहाँ पर स्किप मत कीजिए। यहाँ पर विल वी कॉन्टैक्ट 72 हर्ट्ज़ टू क्लेरिफाई रिटर्न रिक्वेस्ट, प्लीज़ नोट रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड ऑन द फॉल इन द फ्लिपकार्ट रिटर्न पॉलिसी। अगर यहाँ पर बोल रखा है कि यहाँ पर हमारी रिटर्न पॉलिसी के अंदर होगा तो हम ही प्रोडक्ट को इसको यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे। यहाँ पर सवाल उठ जाते हैं, जिस टाइम आप इसको रिटर्न डालेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ दिमाग में सवाल उठेंगे कि क्या हमारा प्रोडक्ट रिटर्न होगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते, फर्स्ट टाइम आप यही करते हैं, आप रिटर्न डालते हैं एंड रिटर्न डालने के बाद जब आपको रिटर्न अप्रूवल नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं, सेकंड प्रोसेस आपका होता है आप कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करते हैं। जब आपको कस्टमर केयर भी आपको यहाँ पर सही से तरीका नहीं बता पाता तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यूट्यूब पर विजिट करते हैं एंड यहाँ पर सर्च करते हैं रिटर्न अप्रूवल कैसे, रिटर्न रिक्वेस्ट कैसे अप्रूवल करवाएं, ये वाला सर्चिंग मारते हैं। तो यहाँ पर जब आप हमारे चैनल पर आते हैं तो ये वीडियो हमारी देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता लगता है कि इस तरह से आपको यहाँ पर रिटर्न अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखने का यह प्रोसेस यही वाला सेम रहने वाला है, आप यही वाला प्रोसेस भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब यहाँ पर आपको रिटर्न आप डालते हैं तो डालने के बाद आपको इंस्टेंट अप्रूवल किया था, जब यहाँ पर मुझे इसका रिफंड उसी फ्लिपकार्ट पे लेटर के अंदर यहाँ पर मुझे इजीली प्रोवाइड कर दिया गया है।
पेमेंट आईडी यूज़ की, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही मैंने कोई मेल का रिप्लाई किया। मैंने बस यहाँ पर रिटर्न अप्रूवल, मैंने यहाँ पर रिटर्न रिक्वेस्ट डाली एंड डालने के बाद यहाँ पर मुझे नेक्स्ट एक दिन के बाद मुझे मैसेज आता है कि आपके रिटर्न अप्रूवल कर लिया गया। यहाँ पर उसी दिन के यहाँ पर हमारा आइटम जो पिकअप कर लिया एंड मुझे इंस्टेंट यहाँ पर फंड भी मेरा जनरेट कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आपको फंड भी देखने को मिल रहा है। फ्रेंड जैसे कि ये हर एक केस नहीं होता, अलग अलग केस में रिफंड लेने का सोर्स अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपका केस हो 72 hours, देखने में पॉलिसी तो सेम रहती है बट यहाँ पर इसके काम करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर मुझसे कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगे। आपका यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से हो सकता है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, गैजेट्स हो, मोबाइल हो, यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग टाइम ले सकते हैं एंड यहाँ पर उसके अंदर रिटर्न अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर जिस आधार का प्रोडक्ट होता है उसी आधार पर यहाँ पर रिटर्न ली जाती है। अगर यहाँ पर मोबाइल को रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल की रिटर्न पॉलिसी इतनी हार्ड कर दी गई कि आप मोबाइल को रिटर्न कर ही नहीं पाएंगे। आपको यहाँ पर रिटर्न रिप्लेस ही किया जाता है बट रिप्लेस करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम होते क्योंकि ये सेलर नहीं चाहता कि उनका प्रोडक्ट वापस हो क्योंकि उनकी पैकिंग, हैंडिंग, सर्विसिंग बहुत यहाँ पर खर्च आ जाता है। तो यहाँ पर ये सब इनको ही उठाना पड़ता है। प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा एंड इसी के साथ वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके फ्रेंड, बाय।